यूपी विधानसभा के छठवें चरण का चुनाव है, 3 मार्च को यहाँ चुनाव होना है। इसी क्रम में आज सिनेमा स्टार और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी का आगमन यहाँ सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा में हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। आज मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी का कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे? आज आप खड़े हैं हमारे विधानसभा के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर। इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, जनता को ये लगता था कि हम हर बार इटवा बिस्कोर और सिद्धार्थनगर बड़े नेताओं को सुनने जाते हैं, तो इधर भी किसी का कार्यक्रम लगता तो अच्छा होता। तो अपने कार्यकर्ताओं की मांग पर हमने ये तरहर इस पावर हाउस मैदान में हमारी मथुरा की सांसद और भारत की नई दुनिया की प्रख्यात सिने अभिनेत्री, जिनको ड्रीम गर्ल के नाम से लोग भी जानते हैं और कथक के मामले में एक विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना है, वो यहाँ पर आ रही हैं। वो स्वयं भाजपा की नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ आकर भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत से जिताने की अपील करने वाले हैं। यहाँ से जो सपा प्रत्याशी हैं माता प्रसाद पांडे जी, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, उस ऑडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो बहुत बुजुर्ग हैं, 80 साल से ऊपर की उनकी अवस्था है, हमारे पिता तुल्य हैं, इसलिए मैं उनके किसी निजी जीवन से संबंधित किसी मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अखिलेश यादव का कहना है कि पश्चिम के क्षेत्र ने बीजेपी को नकार दिया है, पूर्वांचल में क्या स्थिति है या पश्चिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी चूंकि आजकल ट्विटर के नेता हैं, जमीन पर रहते नहीं, वास्तविक स्थिति समझने की कोशिश नहीं करते। पश्चिम में भी सपा साफ हो गई है और पूर्वांचल में भी साफ हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ इटवा के विधायक और बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, जिनका कहना है कि पश्चिम की जनता में ने सपा को साफ कर दिया है और पूर्वांचल में जो उनकी बची खुची उम्मीदें हैं वो भी साफ हो जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद इस्माइल के साथ पुरुषोत्तम दुबे, आस रिकॉर्ड, सिद्धार्थनगर।